जो है जैसे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जुहूर किया था अपनी नबूवत का, तो वो जिन जिन के ऊपर जाते थे दावत लेके, तो उसमें से जो ईमान लाते थे कबूल करते थे, तो और उसमें से भी जो ईमान नहीं लाते थे जो उनको झुठलाते थे, तो उनकी तो देख रही थी हुज्जत पूरी हो गई। उन्होंने नबी को झुठलाया, उनके सामने नबी आए और कुरान की आयतें पेश की और उन्होंने झुठलाया उसको। समझ गए ना तो आप, दूसरे एक टॉपिक नहीं पे नहीं जाए। सुने नहीं दूसरे टॉपिक नहीं, वही आप सुनिए। बोलिए। तो वहां पे तो हुज्जत पूरी हो गई कि जो है इन्होंने इनकार किया। लेकिन जो इंसान ऐसा होता है जिसके पास, जैसे कोई इंसान है नेक दिल अच्छा है, लेकिन उसके पास दावत नहीं पहुंच पाई किसी कारण के, मतलब ऐसा उसके असबाब नहीं बन पाए उसकी जिंदगी में, तो वो जो है अगर बन बन पाते असबाब तो वो जरूर हक को, क्योंकि वो सच्चा इंसान था, वो जरूर हक को कबूल करता। तो जो ठीक है है उसकी जिंदगी में वो नेक इंसान था, मतलब सबके लिए भला चाहता था और सच्चा भी था, लेकिन कुछ उसकी ऐसा भी उसका माहौल बना, उसका जो है ऐसी सोहबत रही जो है ऐसा कि जो है वो जो है ईमान नहीं ला पाया, कुफ पे मर गया, तो उसके लिए कि जहाँ इंटरनिटी के लिए उसके लिए जहन्नुम है, क्योंकि उसके पास तो ऐसी कोई दावत आ ही नहीं पाई थी। आप इसका जवाब तो नहीं जानते उसके अभी तक। मैंने कई जी बार इसका जवाब दिया है, इस सवाल का कई बार जवाब दिया है। क्या फिर एक बार आपने इसका जवाब आज तक सुना नहीं है? चलिए बता सुना देता हूं, दीजिए देखिए सर भाई, क्या इनको लगता है इन्होंने नहीं सुना है, सुना दीजिए इनको। ठीक है। चलिए मैं आपको ये बात बता देता हूँ, प्रूफ के साथ बताता हूँ, स्क्रीन पे प्रूफ लाएंगे। हाँ ठीक है। देखिए कुरान और हदीस में इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं कि अल्लाह सुब्हानहु ताला किन्हें सजा देगा। वाजे तौर पे देखिए ये आयत है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर, वमा कुन्ना मुआद्दिबीन हत्ता नबअथा रसूला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम अजाब नहीं देंगे यहां तक आके हम रसूल को ना भेज दें। तो अल्लाह ताला ने वादा किया है, अल्लाह अजाब नहीं देगा। और जहन्नम के दरवाजे पर जो दारोगा होंगे, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सालहुम खजनतुहा, जब भी वहां पर एक ग्रुप आएगा तो वहां के जो गार्ड्स है वो कहेंगे अलम यातिकुम नदीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए? तो वो कहेंगे कालू बला कद जाना नदीर, कि हाँ हमारे पास डराने वाला आया था। फकज़्ज़बना, हमने उसे झुटला दिया। तो ऐसी कई आयतें हैं, वैलुल वैलुल यौमैज़िन लिल मुकद्दिबीन, बदबख्ती उस दिन झुटलाने वालों के लिए। और कुरान की सूरह निसा सूरह फोवस 115, मिन बादी मा तबयना लहुल हुदा, हक वाजे होने के बाद भी जो झुटलाता है उसके लिए सजा बताई गई। अब आपका सवाल ये आता है कि भाई जिसको पैगाम ही नहीं मिला उसका क्या? तो उसके ताल्लुक से हदीसें मौजूद है। ये जो हदीस मैं बता रहा हूँ ये सूरह 17 वर्स 15, ये जो पहली आयत आप देख रहे हैं ना, इसकी तफसीर में इब्ने कथीर में मेंशन्ड है और मुसनद अहमद की जी हदीस है, जी हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसमें आता है कि चार लोग अल्लाह ताला से कयामत के दिन हुज्जत करेंगे। एक वो शख्स जो माता फिल फतरा, जो फतरे के दौर में पैदा हुआ, यानी दो नबियों के दरमियान के दौर में पैदा हुआ, वो कहेगा अल्लाह मेरे पास हक आया ही नहीं। एक वो शख्स होगा असम, जो बहरा होगा, वो कहेगा अल्लाह हक आया लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया। तीसरा वो होगा अहमक, वो कहेगा हक आया सुनाई भी दिया लेकिन समझ में नहीं आया। और चौथा वो हरम, जो हक आया सुनाई भी दिया समझ में भी आया लेकिन बराबर से समझ में नहीं आया, बहुत बुरा होगा। तो ये चार लोग अल्लाह ताला से हुज्जत करेंगे कयामत के दिन, इस हदीस में आता है। और फिर अल्लाह ताला कहेगा कि तुम पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, और उनसे वादा लिया जाएगा, अहद लिया जाएगा कि आज के दिन ये फरिश्ता तुम्हारे लिए रसूल है और तुम इसकी बात मानोगे। वो अहद करेंगे कि अरे वो उस फरिश्ते की बात मानेंगे, अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे। वो फरिश्ता उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां उन्हें आग दिखाई देगी, और फरिश्ता कहेगा उदखुलू, इसमें दाखिल हो जाओ। जो लोग उसमें दाखिल हो जाएंगे वो पाएंगे आग कैसी होगी, बर्दम व सलामा, ठंडक वाली और सलामती वाली, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए हुई। और जो लोग नाफरमानी करेंगे, अपने अहद को तोड़ेंगे, अल्लाह के पास किए हुए वादे को तोड़ेंगे, अब वो लोग जाएंगे जहन्नम में। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, ये एक हदीस आपके सामने, ऐसी और भी हदीसें हैं जो देख करके इससे पिक्चर पूरा मिलता है। तो यहां पर क्या होता है, बाज ऐसे मुस्लिम भी है जो मुनाफिक होते हैं, जो मुस्लिम नाम होता है लेकिन मुनाफिक होते हैं, और वो लोग कहां जाएंगे, क्लियरली जहन्नम जाएंगे। और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो गैर मुस्लिम हो लेकिन उन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा ही नहीं, और लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो हक तलबी होती है उनमें, हक को जानना चाहते हैं, हक पे चलना चाहते हैं, हक मिल जाए, सही बात मिल जाए, उसी पे चलने की उनकी कोशिश होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं और जिनका मिजाज वही होता है, और हम सब जानते हैं ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हक वक, हक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लालच होती है उनके अंदर, बस फायदा क्या है, सही सही गलत नहीं देखना है, फायदा क्या है। अब होता क्या है ना, इंसान की जो आदत होती है जिंदगी भर की, वही आदत वहां पे भी जाहिर होगी कयामत के दिन। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कयामत के दिन जो लोग उस फरिश्ते की बात नहीं मानेंगे, हालांकि कयामत का दिन देख चुके हैं, अल्लाह से कलाम कर चुके हैं, लेकिन जो एक इंसान का नेचर होता है वही गालिब रहेगा ना उसके ऊपर। तो जो लालची लोग होते हैं वो वहां पे आग दिख रही है, अनकंफर्टेबल चीज है, फरमाबरदारी करके आग दिख रही है, तो वहां पे क्या करेंगे, नाफरमानी करेंगे अल्लाह की वहां पर भी। तो ऐसे लोगों को क्या होगा, जहन्नम मिलेगी। लेकिन जो लोग उस फरिश्ते की बात मानेंगे और अहद को पूरा करेंगे, अपने अहद को पूरा करेंगे, वो लोग कहां जाएंगे, जन्नत जाएंगे, नॉन मुस्लिम होने के बावजूद। हाँ पैगाम नहीं मिला है उनको। तो हम देखते हैं कि ये एक एक चीज है जो हम सब देख सकते हैं।
और यहाँ पर क्लियर बातें, ऐसे बहुत सारी बातें हैं इंशाल्लाह। तो बुनियादी तौर पर उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि आपका सवाल का जवाब मिला आपको। उमेर भाई जी, आवाज जी सर, मैं थोड़ी बताया आपने, थोड़ा जो है आपका वो हो रहा था, मतलब कट रही थी आवाज जी। कोई बात नहीं, आप ऐसा करिएगा स्क्रीन में पीछे आके यूट्यूब पे देखिए, बाकी मैं आपको आपको जवाब बता रहा हूँ। अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, और हक बात एक ही है। मैंने एक वीडियो बनाई है, एक सीरीज है प्लस टीवी पे, वाई इस्लाम 100 रीजंस, आप जरूर उस वीडियो को देखिए, उसमें 100 रीजंस दिए गए। अगर एक भी वजह आपको समझ में आ गई तो आपके लिए काफी है इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई को समझने के लिए। हाँ, जजाकल्लाह खैर। उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह सबसे बड़ी दौलत दुनिया की जो है ईमान की दौलत, अल्लाह ताला उस इस दौलत से नवाजे हम सबको। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।